जय हिंद दोस्तों, मैं लखवीर फिजिकल अकैडमी संगरूर तो जी। सो दोस्तों अज गल करांगे, बहुत सारे नौजवान वीरां दे मन दे विच सवाल आ, टेंशन च ने कि जिहड़ी टीओडी आ लागू होण जा रही आ, भाव जिहड़ी फौज आ 3 या 4 साल लई होण जा रही आ। दोस्तों सो अज सारियां टेंशनां मैं दूर करन दी जिहड़ी तुहाडियां कोशिश करूँगा। सो अगर आपां दोस्तों गल करिए, जिहड़े इस टाइम इंडिया दे विच तुहानूं पता है जिहड़ी बेरोजगारी दिन ब दिन वध रही आ, ठीक है जी, आपां इस जगह ते फौज नालों हट के गल करांगे। एक चीज़ जिहड़ी मेरे आपदे दिमाग दी आ, मैं तुहाडे नाल शेयर करन जा रहा दोस्तों। अगर एक नौजवान अज भर्ती हुंदा वा दोस्तों, 17 साल घट तो घट उह सर्विस करके आउंदा वा, ठीक है जी। सो सरकार की की सोचनी है, उही 17 सालों के किन्ने नौजवानों रुजगार मिलेगा, 1, 2, 3 किन्नियां मिलेगा, 4 साल के हिसाब ला सकते हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक चीज़ जरूर आ, मैं पहला भी कहना हूं कि जो होना हो के रहना वा, ठीक है जी। ये बहुत चीज़ा निकलदियां ने दोस्तों। नंबर एक ते तुहानू पता ही आ कि बाहरलिया कंट्रियां दे विच की आ, सब तो पहला फौज दे विच किसी भी जॉब ते तुसीं जाणा वा तां नौकरी करनी बहुत जरूरी है फौज दे विच दोस्तों, ठीक है जी। अगर आपां गल करिए तां इही चीज़ मेरे हिसाब नाल जिहड़ी इंडिया दे विच आउण वाले समें च लागू हो जाऊगी। तुसीं पुलिस दे विच भर्ती होना, तुसीं CRP BSF दे विच भर्ती होना, तुसीं किसी भी महकमे दे विच जाणा, तुहानूं फौज दे विच 4 या 5 साल लाउणे पैणगे दोस्तों। इहदे नाल की होगा दोस्तों, हर एक नौजवान नूं जिहड़ी ट्रेनिंग आ फौज दी मिल सकूगी घर घर, ठीक है जी। सो अपनी जिहड़ी फौज आ इंडियन आर्मी बहुत मजबूत हो जाऊगी इहदे नाल दोस्तों, ठीक है जी। दूसरे नंबर ते आ जाओ दोस्तों, बहुत सारे नौजवान वीर देखिया मैं आम ही गल्लां करदे ने कि जिहड़ी TOD आ लागू ना होवे, इहदे नाल बहुत नुकसान हो जाऊगा, ठीक है जी। दोस्तों बाकी मैं नौजवान वीर ये भी कहिंदे सुणे ने कि इहदे च किसी ने भर्ती नहीं होना। अगर आपां गल करिए दोस्तों, रही गल इहदे च भर्ती होण दी, अगर मैं दोस्तों गल करां, अगर फौज आने वाले समय च 3 या 4 साल लई हुंदी वी आ तां दोस्तों इहदे च आ गई भर्ती होण दी गल। जेकर फौज कह दे ना भी 6 महीने वास्ते रखने आ, तां भी मैं नौजवान वीरां नूं 5-5 किलोमीटर तक लाइनां लग्गियां दिखा दूंगा भर्ती होण वास्ते, अगर फौज कह देण भी 1 साल लई वी आ, ठीक है जी। दूसरे नंबर ते आ जाओ, अगर जे फौज उन्हें दिहाड़ी ते भी लैके जाण लग जाण ना, तां भी लोक उहदे विच नौजवान वीर भर्ती होणगे, क्योंकि दोस्तों बेरोजगारी ही आने वाले समय च इन्नी हो जाणी आ कि आपां नूं मजबूर ने अपनाउणी पैणी आ चीज़, ठीक है जी। सो आपां पहलां कित्थे गल करदे सी दोस्तों कि आपां ये जिहड़ी लागू नहीं होण देंगे दोस्तों। मैं पहला भी वीडियो दे विच कहना हुंदा वा कि जो कुछ दोस्तों होना वा वो होके रहना वा दोस्तों, ठीक है जी। सो सरकार गांह की फैसले लैंदी आ, सो देखना होएगा आपां नूं, ठीक है जी। सो अज मेरा ख्याल आ भी एक लैटर जारी किया वा अखबार दे विच, शायद मैं पढ़िया वा कि जिहड़ियां भर्तियां ने मतलब आ जून जुलाई अगस्त तक जिहड़ियां स्टार्ट होण जा रहियां ने दोस्तों, ठीक है जी। बट जिहड़ी पेपर दी अजे कोई डेट कन्फर्म नहीं हैगी दोस्तों, ठीक है जी। सो अगर गल करिए दोस्तों, आप एक चीज़ तो अश्योर होगी कि जिहड़ा पेपर तुहाडा इंडियन आर्मी का बच्चों का रहिंदा वा वह हर हालत होना ही होना वा, ठीक है जी दोस्तों। कई नौजवान भी रहते तो भी परेशान सी कि शायद पेपर होंदा ही नहीं है। सो दोस्तों मैं तुहानू दस दिया कि जिहड़ियां वेरीफिकेशनां तो हो ही चुकियां ने, ठीक है जी। सो जल्द ही पेपर की डेट तुहानू मिल जूगी। सो जिहड़ियां भर्तियां ने मैं तुहानू पहले ही दस के हटिया वा दोस्तों कि जल्द ही अनाउंस हो जाणगियां, ठीक है जी। मेरा ख्याल भी जून के पहले हफ्ते। सो अपनी जिहड़ी नौजवान वीरां नूं मैं दसना चाहुंदा कि तैयारी रखनी आ, ठीक है जी। आपां अगर गल करिए दोस्तों, नौजवान वीर कहिंदे ने कि साडा नुकसान है इहदे च TOD विच, दसना चाहुंदा मैं नौजवान वीरां नूं, 19-19 साल के 20-20 साल के नौजवान वीर ने जिहड़े इस टाइम अरब कंट्रियां दे विच जा रहे ने दोस्तों, ठीक है जी। सो मैं एक अखबार भी पढ़िया सीगा जिहदे च दस्सिया गया सीगा कि 3 या 4 साल बाद जदों बच्चा रिटायर होएगा 12 या 14-13 लाख रुपया उहनूं देणगे, बाकी ठीक है जी। बाकी समय समय से होर सहूलतां भी सरकार वालों मेरे मुताबिक जिहड़ियां हैगियां ने दित्तियां जाणगियां, ठीक है जी। अगर आपां किसे अरब कंट्री च दोस्तों जाने आ तां उत्थे की हुंदा वा दोस्तों, उत्थे की हुंदा दोस्तों, तुहानूं पता ही आ कि किन्ने कु पैसे मिलदे ने। आपां 2 साल लाइए 3 साल लाइए, आपां नूं की ओह आउण लग्गिआं नूं 8 या 10 लाख रुपये दिंदे आ, नहीं दिंदे दोस्तों, ठीक है जी। अग्गे आ जाओ, अगर अज तुसीं 19 साल दे भर्ती हुंदे आ 20, 21, 22, 23 23 साल तो बाद तुसीं दोस्तों पंजाब पुलिस च, दिल्ली पुलिस च, रेलवे पुलिस च, चंडीगढ़ पुलिस च, CRP च, BSF दे विच तुसीं कितें भी अप्लाई कर सकदे हो। बट किसे टाइम सरकार ने यह चीज़ लागू कर देनी आ कि सब तो पहला फौज दे विच तुहानूं 4 या 5 साल लाउणे जरूरी ने कड़। बाकी लो जी दोस्तों, साढ़े पिंड दा तुहानूं जिहड़ा मौसम आ भी दिखा दिंदे आ। मेरे मुताबिक जिहड़ी सरकार की सोच आ
कि तुहानू पता है भी बेरोजगारी इन्नी वध गई कि हर एक नौजवान नू रुजगार मिल सके, ठीक है जी, चाहे वह 4 साल लई आ चाहे 5 साल लई आ। बाकी मैं अखबार भी पढ़ता हूँ, बाकी तुहानू पता ही है खुद में शायद कि उन्होंने कहा वा कि जो 25% अगे रेगूलर किया जाऊगा, ठीक है जी। अगर आप दोस्तों कुछ समय पहला ना डीए की भर्ती होंगी सी लुधियाने, ठीक है जी, लोग उन्होंने कहते होंगे सी भी टैंपरेरी आर्मी आ 2 महीने ला के इतों बाद घर भेज देंगे ने, बट वो भी की सी दोस्तों हजारों ही मुंडे भर्ती देखते सके, उन्हों का की कहना सी कि चाहे महीना ही रखन सानू फौज के, ठीक है जी, असी भर्ती होना ही होना वा। सो यही चीज़ दोस्तों आने वाले समय के ये तुहाडे सामने होएगा, हर एक नौजवान जिहड़े भर्ती होने चाहवान ने वह चाहे 6 महीने लिए फौज हो जाए चाहे साल लिए हो जाए चाहे 2 साल लिए हो जाए वह भर्ती होगी होगी दोस्तों, क्योंकि बेरोजगारी ही इन्नी आ और नौजवान वीर के कोई हल भी नहीं है, ठीक है जी। सो ये तो होगी दोस्तों 3 या 4 साल लिए फौज की जी है सिस्टमबाजी, ठीक है जी। सो देखना ही होगा कि अगे अपडेट की निकलती आ, पेपर की डेट की कढ़ते हैं। हाँ बाकी भर्तियां ने जिहड़ियां दोस्तों मैं तुहानूं पहले दस चल चुका वा कि अगस्त सितंबर अक्तूबर तक भर्तियां जिहड़ियां आ जाणियां इंडियन आर्मी दियां, बाकी जिहड़ा पेपर आ शायद बच गई तो पहला लै लैण दोस्तों, ठीक है जी, पेपर तो इन्हां नूं लैणा ही पैणा वा, ठीक है जी। सो एक चीज़ जरूर दोस्तों अपनी जिहड़ी इंडिया की आर्मी आ, ठीक है जी, इहदे विच सरकार दी सोचणी वी हर घर नूं रुजगार मिले, हर बच्चे नूं रुजगार मिले, ठीक है जी। इतों बाद दे विच जदों बच्चा 4 साल बाद घर आऊगा कुछ ना कुछ दोस्तों लैके ही आऊगा, ठीक है जी। सो देखना होएगा कि कहड़ी अपडेट हुण अगे निकल जाए दोस्तों। बाकी एक चीज़ ते मैं बहुत ज़्यादा दोस्तों टेंशन दे विच हां, ठीक है जी, क्योंकि जिहड़े बच्चों का पेपर होएगा सारे दे सारे तो पास नहीं होणगे दोस्तों, ठीक है जी। सो बहुत चिंतित हां मैं, पता नहीं बेचारे किन्ने क बच्चे उहदे विचों फेल होणगे ते उहनां दा की होएगा दोस्तों। अगे एक अपडेट दोस्तों मैं सोचता हूँ कि गह इन्हों क्ढनी चाहिए सरकार को कि जी उम्र वास्ते, ठीक है जी। सो कि टाइम हो गया भर्ती आई दोस्तों, बच्चे बेचारे मेहनत कर रहे हैं रोडों से ग्राउंडा के दिन रात एक कर किया पाया दोस्तों मेहनत बच्चों ने, ठीक है, जिन्होंने क्रेज़ है इंडियन आर्मी का। सो उन्होंने बेचारे की उम्र जी नेड़े लग चुकी है, उन्होंने वास्ते मैं बहुत चिंतित हाँ। सो शायद सरकार को अपील आ भी है जी अपडेट है दी उम्र की जरूर कढ़नी चाहिए, ठीक है जी, ताकि बच्चे भी बेचारे उन्होंने जो मौका वा मिलना चाहिए दोस्तों, ठीक है जी, क्योंकि जोड़े हालात ने बहुत ज़्यादा बच्चों के माड़े ने दोस्तों, ठीक है जी, क्योंकि बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सो बाकी मिलते हैं नवी अपडेट तो दोस्तों, देखते हैं भी की अपडेट कढ़ती है सरकार, उम्र के छोड़ दी और पेपर कदों लेंदी आ, तो जी TOD आ कदों लागू करती है। फिलहाल दोस्तों नोटिफिकेशन है जो हजे नहीं आया, मैं पहला भी बच्चों को दसदा हुंदा वा कि मन ते वजन पाउण दी जरूरत यार नहीं हैगी दोस्तों, जिहड़ा कुछ होना उन्हें होके रहना वा, हर चीज़ के 2 पहलू ने दोस्तों, चंगा ते माड़ा, ठीक है जी, जे चीज़ चंगी आ तां कितना कितने माड़ी भी होगी, जे माड़ी आ तां कितना कितने चंगी भी होएगी। सो दोस्तों वीडियो दे विच कोई गलत वलत बोलिया गया हो दोस्तों माफ़ कर दौ, जय हिंद, लव यू वीरे, नौजवान वीरां नूं सति श्री अकाल। अगर नौजवान वीर बहुत सारे नौजवान वीर कहिंदे ने कि फौज 3 या 4 साल लई होगी असीं भर्ती नहीं होना, तो मैं एक छोटी जी उदाहरण दिना दोस्तों तुहानू, अगर तुसी किसी प्राइवेट जॉब ते जां तुसी किसी मान लो मिस्त्री नाल लगदे हो जां किसी पेंटर नाल लगदे हो जां कोई प्राइवेट जॉब भी दोस्तों करदे हो, तुहानू 200 या 300 रुपया मिलेगा दोस्तों, ठीक है जी। सो अगर आप गल करिए 8 या 10 हज़ार ना कि घर का गुजारा हो जाएगा दोस्तों, तुसी खुद अंदाजा ला लो। अगर आप इधर गल करिए फौज चाहे 3 साल लिए चाहे 4 साल लिए दोस्तों, प्राइवेट जॉब नाल तो कितें ही तुहाडे लई जिहड़ा फायदेमंद होएगी दोस्तों, ठीक है जी।